हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ खोया यानी कि मावा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल बटन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये खोया और मावा आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन बहुत प्योर नहीं होता, तो हम इसे घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। मावा या खोया बनाना बहुत ही आसान है और मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर हम घर पर बनाएं तो ये हमें बहुत ही शुद्ध मिलता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में केवल दूध ले लिया है और दूध के अलावा हमें कुछ भी नहीं लेना है मावा बनाने के लिए। और इसे हम बॉयल कर लेते हैं, जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसे हम लगातार चलाते हुए बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे और उसके बाद हमारा मावा तैयार हो जाएगा। तो पहले बॉयल कर लेते हैं इसे। दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है और बॉयल होने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट के बाद लगातार चलाना है। इस तरीके से बिल्कुल कढ़ाई के तले तक जाके इसे चलाना है ताकि कहीं भी ये लगे नहीं कढ़ाई में और जले नहीं दूध हमारा। तो हर 2-3 मिनट के बाद ऐसे ही चलाना है और दूध को गाढ़ा करते रहना है। दूध बॉयल करते करते आधा हो गया है और लगातार चलाना भी है इसे, तो इसे और भी हम इसे सुखा लेंगे पूरा और ऐसे ही हर 2-3 मिनट में इसे चलाते रहेंगे। यहाँ पर दूध काफी ज्यादा गाढ़ा हो चुका है और हमें इसे और भी ज्यादा गाढ़ा करना है, तो इसे लगातार चलाते हुए ज्यादा गाढ़ा हो जाने के बाद इसे हम लगातार चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए दूध और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है, तो बस इसे ऐसे ही और गाढ़ा करते जाना है। इस स्टेज पे आने के बाद देखिए और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है ये हमारा, तो इसे हमें और भी गाढ़ा करना है। यहाँ पे तो हम बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, ऐसे ही लगातार चलाना है और यहाँ पे ये और भी गाढ़ा हो गया है। इसे लगातार बिल्कुल हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और साइडों को भी क्लीन करते रहेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे इसे। और ये देखिए हमारा खोआ बिल्कुल ये बन के तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है। अभी ये ऐसा लग रहा है पिघला हुआ, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। तो इसे 1-2 मिनट और मैं कढ़ाई में चला लेती हूँ और फिर इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और जब ये मावा ठंडा हो जाएगा तो ये इस तरह का सॉफ्ट नहीं रहेगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल जमने की फॉर्म में आ जाएगा ये। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने खोए को प्लेट में निकाल लिया है। लीजिए फ्रेंड्स, खोया बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, लेकिन अभी भी ये गर्म है। जब ये ठंडा होगा तो ये सेट हो जाएगा बिल्कुल। और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और इससे आप मिठाइयाँ बना सकते हैं काफी सारी। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।